एवरीवन गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा व्लॉग इवनिंग में आता है तो मैंने सोचा आज के व्लॉग की शुरुआत भी इवनिंग में कर दूं और आपको एक विश करें वो भी इवनिंग में। जो लोग बाहर देखते हैं मेरा व्लॉग उनका जो टाइम है उसी के अकॉर्डिंग सत श्री अकाल सलाम नमस्ते राम राम ले लेना इवनिंग मॉर्निंग का पता नहीं होता। तो अभी ये जो एक व्लॉग मैंने कल डाल दिया था दोबारा आज मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो मैंने सोचा कि आज जो है कुछ ना कुछ आपको दिखाते रहते हैं। शाम का टाइम हो चुका है, बज गए हैं 7। क्लाइंट जो है बस एक आधा ही आपको दिखा देती हूँ इधर। तो अभी हमने क्या करना है, हम कर रहे हैं वीडियो शूट। ये देख लो गाइज, एक मिनट दिखाती हूँ तुम्हें एक बार मैं। गाइज रुको गाइज, ये हमारे सलोन की आगे नहीं आनी है, वहीं खड़ी रहो, थोड़ी सी तुम्हारी ड्रेस दिखानी है। तो आजकल ये फॉर्मल्स में आने लगी हैं लड़कियाँ और बहुत प्यारी लग रही हैं दोनों। क्या कहना चाहोगे तुम लोग? हमें बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। मतलब आज पहला दिन है, जो मुझे ऐसे लग रहा है आज मेरा पहला दिन है, वो वाली फीलिंग आ रही है। मैंने काफी रिस्पांसिबल फील हो रहा है। ये चीज हमें सिखाती है कि जब आप इवन क्लोथ्स भी चेंज करते हो तो आपका एक अंदर पर्सनालिटी जो है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। आज तो स्टाफ भी बोल रहा है मैम तुम मैनेजर्स लग रही हो, मैनेजर्स वाली फील आ रही है। आज ये मैनेजर्स लग रही हैं एक्चुअल में, अदरवाइज तो ये ऐसी जल्लियां बन के आती है ना। अब इनको बोला है कि फॉर्मल्स में आना शुरू कर दो। थोड़ा सा विंटर में होता भी था कि थोड़े वूली और वो चीजें पहनने का मन करता, बट अब वेदर चेंज हो गया। ठीक है, सो गाइस मैंने भी आज ऐसा कुछ ब्लैक पहन रखा है। आप मेरा लुक दिखाना चाहोगे? यस बिल्कुल। ये भी फॉर्मल्स में आती है जो मैंने पहनी है, बिल्कुल कवर्ड और मैं भी कुछ आज एंड डीसेंट एंड एलिगेंट नाइस पर्ली गर्ली। इस वाली लाइन पे वो वाला गाना सूट करता है, पंछी बन उड़ती फिर मस्त गगन में, उड़ो उड़ो छोटे छोटे पंछी उड़ रहे हैं। सो गाइस इधर चल रही है शाम की पूजा जो कि कर रही है हमारी ईवा। ईवा गाइस ये लड़का ना अभी अभी थ्रेडिंग करवा रहा है, पेपर देने जाने, जैसे कि आपने कल वाले व्लॉग में देखा है। और ये बर्फी की देख के ऐसे उठा है ना एकदम, क्या चक्कर और खानी है? नहीं ये तेरे को बोलेगा तो बांट के आ जा, डब्बा लास्ट में मेरे को दे देना। और अगर मैंने इसको नहीं दी फिर ये मेरी जान खाएगा। वो थ्रेडिंग करवाता करवाता उठा है कैसे, देखना ऐसे नहीं लगे झटका लगा उसको। सो गाइज हम सलोन ऊपर से अभी जल्दी थोड़ा नीचे आ गए 8 बजे, क्योंकि आज है तिब्बतियन जो न्यू ईयर है ना वो उसकी शुरुआत हो रखी है। लोसार चल रहा है जो तिब्बत के लोगों को पता होगा, तो हमारी तेंजन जो है वो तिब्बत से है, दैट्स वाई उसको थोड़ा सा फैमिली से दूर है। तो हमने सोचा कि वो हमारे हर रिचुअल हर त्योहार में शामिल होती है तो हमें भी उसके होना चाहिए, है ना। तो मुँह सब बना के रखा हुआ है, तो उसके लिए मैं एक चॉकलेट लेती हूँ, बुके लेती हूँ, फिर हम डिनर के लिए उसको लेके जा रहे हैं, तो हम लोसार सेलिब्रेट करेंगे। सो गाइस यहाँ पे मुझे ये चॉकलेट दिखाई दी है, ये वाली ले लूँ क्या? ये ले लेते हैं ना चॉकलेट, बुके नीचे से लेते हैं। तो भाई चॉकलेट लेके अभी नीचे फ्लावर लेने आए हैं, बुके बनवा लेते हैं कुछ अच्छा सा। तो गाइस आधे घंटे में भैया ने बुके रेडी कर दिया, कितना अच्छा किया गाइस, देख सकते हो आप कितना अच्छा स्पार्कल डाला है फ्लावर पे। भैया ने खुश हो जाएगी तेंजन। भैया एक बात बताऊं, एक लड़की है वो जो आती है तिब्बतियन आपके पास बुके लेने के लिए, वो मेरे लिए आती है बुके लेने के लिए, मैं आज उसके लिए बुके लेने आई हूँ आपसे। वो यही बर्थडे पे भी अभी 2-3 दिन पहले भी शायद लेके गए, रोज डे पे आज मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ। सो गाइज हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, तेंजन हमें आगे मिलेगी और हम बुके बुके लेके चॉकलेट लेके निकल पड़े हैं। हेलो तुम क्यों खड़े हो ऐसे? मैं वेट कर रही हूँ, वो उस साइड से आएगी ना, आएगी नहीं बोली, मैं नीचे आ रही हूँ, नीचे आ रही हूँ अभी। अभी तक आई नहीं वो, मैं झूठ बोल रही थी, नहीं चली अभी तक, नहीं बोली, नीचे ही आ रही हूँ, नीचे आ गई हूँ मैं। वो लिफ्ट तो में फंस तो नहीं गई कहीं? आपने बोला उसको हम जफरानी है, मैंने बोला जफरानी के नीचे खड़े हैं, हम बोलते मैं आगे बस दूंगी आज। सो गाइस हुआ ये है कि जो तेंजन है ना वो भी रजनीश की कॉपी निकली, इनको मैं कॉल करती हूँ तो ये बोलते नीचे ही खड़ा हूँ, उसको मैं पिछले 15 मिनट से कॉल कर रही हूँ और वो बोल रही है कि आ गई मैं आ गई, बस नीचे ही जिम के पास हूँ, यहाँ आऊँ आऊँ, वो दिख रही वो दिख रही, अभी उसको बताना नहीं है मैं ऐसे करके जाऊंगी। ठीक है वो आ गई, ये लेके क्या आ रही है? आ जाओ आगे आ जाओ।
बोरी ये पजामा पार्टी करने आई है गाइस। देख ले उसको अपनी स्ट्रीक बनाने की पड़ी है। हैप्पी नोस्टार। थैंक यू गाइस। ये एंजल हैप्पी नोस्टार गाइस। ये एंजल का न्यू ईयर है जो ये हमारी फैमिली है हमारे साथ सारी चीजें सेलिब्रेट करती है और वैसे भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो फैमिली से दूर है। आज हमने सोचा कि हम इसको इसका जो फेस्टिवल है वो हम सेलिब्रेट करेंगे। चलो गाइस खाते हैं। तो गाइस हम टेंजन को एंजॉय करवा रहे हैं लाइव म्यूजिक के साथ। हेलो गाइस सो बच्चे आ चुके हैं गाइस हमारे। एक इधर में देख लो एक। हेलो गाइस। हेलो गाइस। तुम्हें पता तुमने दीदी को विश किया? हाँ आज उनका न्यू ईयर है। इनको बोलो हैप्पी लोसार। हैप्पी लोसार। लोसार। हैप्पी लोसार। हक करके बोलते होते हैं ऐसे करके हैप्पी लोसार। नहीं सच्ची में जैसे अपना न्यू ईयर होता है ना ऐसे दियोर का फेस्टिवल है ये लोसार। हाँ हाँ न्यू ईयर ही है एक तरह का उनका। हाँ इनका न्यू ईयर स्टार्ट है आज से तभी हम लोग पार्टी करने आए हैं ना। खाना आ चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं धीरे धीरे करके दिखा देती हूँ। हाँ सो गाइज लोसार सेलिब्रेट करके और टेंजन जाती हुई कैसा फील हो रहा है अभी? कुछ ठीक फील हो रहा है? मेरा दिल इतना भारी क्यों? देख गिरने लगी है तो सामान वो पकड़ लेती है। गाड़ी में बैठ गाड़ी में। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं उधर वो डांस कर रहे थे वो भी कर ले थोड़ा सा टेंशन। ऊपर देख गाना नहीं चल रहा। गाना आप डिग्गी से गड्डी की डिग्गी खोल के कौन सा गाना है वो? बात नहीं है। तो भाई हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसका मूड कर दिया चेंज। अभी हम चलते हैं घर। आज मेरा न्यू ईयर हुआ है तो अब मैं अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपसे स्टार्ट करूंगी। पहले वाला फ्री ट्रायल था। अब क्या करेगी तू? अब आज से खाना कम खाऊंगी ज्यादा एक्सरसाइज करूंगी। कितनी गोरी लग रही है टेंशन तू इतनी गोरी लग रही है ना। मेरे दांत पीले लग रहे होंगे साथ में। हां लोगों के दांत वाइट वाइट दिखाई देते हैं ना इसकी स्किन वाइट दिखाई देती है दांतों के कंपैरिजन में। थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल। मुझे लाइक ये तो मैंने तो स्टोरी तक डाली है कि चलो फैमिली के साथ नहीं हुआ सेलिब्रेट बट क्या होता है फ्रेंड्स भी फैमिली ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। हम भागे आए 8 बजे वहाँ से कि सलोन पे बढ़ा के काम कि चलो चलो टेंजन को लोसार मनाओ लोसार सेलिब्रेट करना हमने। थैंक यू सो मच। डोसा था तो डोसा खाना था। डोसा था तो डोसा खाना था। तुझे कभी हमें वो खिलाना चाहिए वो पानी वाले नूडल थुपा। वो तो कभी भी खा सकते हैं। मैं अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रही हूँ क्योंकि बाकी सारे स्पेशल चाइनीज मिलता है। मैं देख रही हूँ वैसे अच्छा सा क्योंकि दूसरे जो है ना थोड़ा उनका ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है जो घर वाला। ऑथेंटिक ही चाहिए जो घर वाला जैसा टेस्ट। मुझे पता है कि तुझे पसंद भी है कि उसमें मसाले नहीं होते हमारे खाने ज्यादा ये होते हैं थोड़ा। तो गाइस ये लड़की अब थोड़ी थोड़ी ठीक फील कर रही है। इसका अंदर पेट भर चुका है टमी फील हो चुका है। अभी घर चलते हैं फिर बोलते हैं। गाइस इस रोज पे गोल्ड छिड़का गया है। गोल्ड छिड़का गया जो कि रजनीश जी के कहने पर तो सुन भी रही है उनकी बात। अब देख उधर को मुंह करके खड़े तेरा फ्लोर आ गया तो भी जा रही आ जाओ ऊपर। मैं सजी जाती हूँ मेरा दरवाजा खुला है। बाय हैप्पी लोसार। थैंक यू हैप्पी लोसार।
कार्टून करेक्टर तो गाइस हम चलते हैं अपने फ्लोर पे। सो गाइस आगे घर और घर आके खाना पीना जो बाहर से खाया था वो कुछ तो लोग पचाए हैं। इधर देखो मुंह करना इधर आप साथ की साथ पचा लेते हैं गाइस। कमरा देखो कितना अच्छा लग रहा है, शाइन आ रही है उसमें ना, चमक रहा है अंधेरे में। ये कमरे का वो डिजाइन है ना जो बीच में अच्छा लग रहा है। और इधर है हमारा डोलू। गाइस डोलू कहाँ कर रही है मेरी बच्ची, क्या कर रही है, क्या कर रही है, आजा। इधर चल रही है गाइस पढ़ाई, ये लास्ट नाइट फाइट वाली बात है, 21 से पेपर स्टार्ट है। और इधर देख देख मुंह देख छुपा रहा है, ये मुंह देख छुपा रहा है, राइटिंग देख लो इसकी किसी को समझ आए। इसने इधर लिख के लगा रखा जय श्री राम राधे राधे। ये टाइम टेबल देख लो गाइस, गाइस टाइम टेबल देखो इस लड़के की, राइटिंग देखो 6 से 7:30 मैथ्स, उसके बाद साइंस, ये सारा हिंदी में तो पास हो जाऊंगा गाइस, इस कॉन्फिडेंस देख लो। और पास किस में नहीं होगा, मैथ्स फिर मैथ्स में पास नहीं होगा तभी ये सबसे पहला मॉर्निंग का इसका स्केड्यूल जो है वो मैथ्स वाला है, देख खोल के बैठा हुआ तो फोकस कर। क्यों हो गया होना लखू गाइस, ये रहा हमारा बेटा है ना, थोड़ा जल्ला है, ये क्या करता है जैसे हाथ में पकड़ के ले गया आएगा फिर वॉशरूम में रख दिया होगा। गाने चला के नारा था, तो फिर ऐसे नहाता है तू है, ऐसे ना ना। ओए रोनी इधर आ एक मिनट, भाग के आइए। तो क्या कह रहा है, बोलता हाँ ऐसे ही नहाता हूँ, भैया ने सिखाया है। तूने किदा बेशरम पढ़ ले। सो गाइस एक चीज और दिखाती हूँ, हमारे घर में आजकल स्टडी को लेके बहुत फोकस किया जा रहा है। तो सारा दिन पढ़ती है गाइस, खाना खा के आई है, अब आते फिर पढ़ने लगी। आजा टीवी देखते हैं थोड़ी देर, उसके तो बोर्ड एग्जाम है, नहीं तो उसको भी बुला ले, आजा। गाइस ये देखो मेरी कितनी अच्छी सेटिंग हो रखी है जूतों की, जूतियों की। यहाँ पे ये मेरी ज्वेलरी जो भी अभी उतारी, क्या बोल रहे हो तुम, रुमन से बात करनी है, करती हूँ। आजा कोमल तेरी मम्मी से बात करें। कैसे हमारे पास ये टाइम होता है, हम रात को बात करते हैं ना। देख रहे हो इस बेशर्म लड़के को, देख रहे हो गाइस। ये एक दिन नानी के पास रह के आया, अभी दिखा रहा है मेरे को, ये दिलाया नानी ने, खोल के दिखा क्या दिलाया, क्या लेके आया तू, सच तूने बताया ही नहीं नानी क्या कह रही थी क्या नहीं कह रही थी, कोई हाल चाल नहीं इसने की। मैं तो लड़ी हुई हूँ नानी से, तू तो नहीं लड़ा हुआ, ये पेंट सी है नहीं, ये पेंट ही है, एक पेंट सी है, हाँ अभी डाउट है अभी पेंट है अभी कि नहीं, ये शर्ट सी है, खोल के दिखा शर्ट सी, एक पेंट सी है एक शर्ट सी है, ये नहीं बोल रहा कि पेंट शर्ट है, बड़ी सी नहीं है उसका, लंबा हो गया ना अब साइज, तो ये लगा के दिखाई, ये इसने पहन के तुम्हें क्या लगता है कि नहीं कर रखी, ट्राई करके सारी फिर उसको फोल्ड करके फेंक रखी, इसकी हालत तो बता रही है। चल ठीक है मैं भी जाऊंगी, मैं भी लेके आऊंगी दो सूट। लालच बुरी बला होती है ना, हाँ होती है थोड़ा बहुत, चलता चल ठीक है रख ले अब इसको, देख फोल्ड देख, फोल्ड देख कर रहा है इसको।